इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। तो किसान की फसल, उसकी कटाई और उसकी बिक्री मंडियों के अंदर प्रोक्योरमेंट जो हो रही है, एक बहुत बड़ा विषय ये हमारे सामने आया है। जहां हम पिछले वर्षों में इन मंडियों की संख्या लगभग 400 सवा 400 ही रहती थी, इस बार हमने उसको, चूँकि लॉकडाउन का ये समय है और हमने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, मंडियों में भीड़ ना हो, वहाँ पर हमारे आड़ती भाई भी होते हैं, किसान बंधु होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के जो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं वो सब भी होते हैं, तो एक भीड़ वाला एक स्थान बनता है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इन मंडियों की संख्या में हमने बढ़ोतरी की, लगभग 5 गुना ये संख्या हमारी है। 400 की बजाय इस बार 1800 से 2000 तक ये संख्या मंडियों की, चाहे वो सरसों की खरीद है, चाहे वो गेहूँ की खरीद है, इसके लिए हमने उसको तैयार किया है। इसके अंदर भी हमको एक सफलता मिली है कि हम लोग अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारे यहाँ जो मंडियों के अंदर गेहूँ की आवक है या इससे पहले सरसों की आवक है उसे ज़्यादा आवक हमारे यहाँ हो रही है। जहाँ 2 दिन के बाद अगर पंजाब प्रदेश की बात करता हूँ तो वहाँ मात्र 50,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ इसकी खरीदी हुई, जबकि हम लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर 40,000 किसान, 4 लाख मीट्रिक टन से भी ऊपर ये आवक हो चुकी है। आज तीसरा दिन है, तो इसलिए हमारी जो आवक है मंडियों में, व्यवस्थाएं बाकी सब प्रदेशों से अच्छी हैं। इसी अवधि में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो मात्र 98,000 मीट्रिक टन और राजस्थान में 42,000 मीट्रिक टन 2 दिनों के शुरुआत में ये फसल आई थी। तो इस नाते से अपने प्रदेश के अंदर गेहूँ की फसल भी अच्छी है और हमारे जो सिस्टम हैं वो भी बहुत ठीक हैं। हमारी जो आढ़त है, आढ़ती बहुत सहयोग कर रहे हैं उन सब किसानों की फसल लेने के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जो बातें हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कठिनाई होगी उस कठिनाई को हम दूर करेंगे, हल करेंगे और किसानों की जो फसल है एक एक दाना हम उनका खरीदेंगे। इसके लिए जो हमने किसानों के केंद्र बनाए हैं उन सब केंद्रों में अभी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क का प्रबंध, थर्मल स्कैनिंग आदि ये सब प्रबंध किए गए हैं ताकि वहाँ कोरोना जो है वो न फैले। इस प्रकार गेहूँ की खरीद सुचारू रूप से चले इसके लिए समय समय पर हम उनको निरंतर निर्देश दे रहे हैं। हमें पता है किसान और आढ़ती इनका एक संबंध है और ये संबंध किसान आढ़ती का ऐसा नहीं, बल्कि सरकार के साथ भी लगातार आढ़तियों से हम बातचीत करते रहे हैं कि सरकार और किसान का ये संबंध भी बहुत अच्छा रहा है। छुट्टी जो व्यवधान आया है वो आया है कि हम किसानों को किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये जो पैसा है ये पहुंचाएं, क्योंकि किसान के पैसे को यदि हम कहीं बीच में रोकते हैं तो ये किसान के प्रति भी अन्याय होगा। हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देने की बात की, हमारे आढ़ती बंधुओं ने कहा कि नहीं, ये आढ़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। हमने वो बात मान ली है और उसके बाद इस सिस्टम में जितना पैसा किसान का है वो किसान का पैसा उनसे लिखवा करके वो रोक लें और बाकी पेमेंट उनको किसानों को अपने बैंक के सिस्टम से कर दें। इसमें मुझे लगता है कहीं किसी को कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है ये सीधे किसानों के खाते में अगर पैसा जाता है तो उनकी राशि ये उनके काम में आ सकती है और किसान अपने उपयोगिता के लिए इस सब का उपयोग करेंगे। फिर भी जो छोटी मोटी जो आपसी बातचीत बैठ करके हम उसको हल कर रहे हैं, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के सब लोग, सेक्रेटरीज और यहाँ डिपार्टमेंट सब इस पर ध्यान रखे हुए हैं। आढ़तियों से निरंतर बातचीत भी चल रही है और उस बातचीत के माध्यम से मैं इस समय यही कहूँगा कि कोरोना का ही अवसर है और इस कोरोना के अवसर पर किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी बात को लेकर विवाद यदि खड़ा करते हैं तो उचित नहीं होगा, क्योंकि किसान की फसल खरीदना ये हमारी प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी में अगर किसी प्रकार का कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध को दूर करने के लिए हमको और लोगों की सहायता, एजेंसीज की सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमें गांव के सरपंच की उनकी सहायता ये लेनी पड़ेगी, हमको अस्थाई लाइसेंस ये भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन खरीद केंद्रों पर जहाँ कहीं गिनी चुनी मंडियों में अवरोध आ रहा है उसमें खरीद केंद्र
सुचारू रूप से चले इसकी व्यवस्था हम निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए मैं सभी आरती बंधुओं से ये निवेदन करता हूँ कि इसके लिए वो आगे आएं और किसानों को सहयोग करें, मंडी में आड़ती के तौर पर अपनी भूमिका वो निभाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में जैसे 16,000 करोड़ रुपया लगभग ये किसानों को गेहूं की आवक का ये जाने वाला है, और यदि मैं उनकी आड़त का हिसाब करता हूँ तो लगभग 400 करोड़ रुपए की आड़त ये भी आड़तियों को मिलने वाली है। और इतनी बड़ी राशि आड़ती को समाज को मिलती है तो उनके उनका एक प्रकार से व्यवसाय उनका उसमें काम चलता है, और ये जो सारी राशि है इसलिए हम देते हैं ताकि किसान को कोई असुविधा ना हो और प्रोक्योरमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के माध्यम से ठीक रूप से हो जाए, ऐसा मैं उनसे अपील करूंगा। अब जहां तक